हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आजकल हम क्लास 12th फिजिक्स का 5th चैप्टर कर रहे हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव। द्विध्रुव का अर्थ है यहां पर है चुंबकीय द्विध्रुव। और हम जानते हैं चुंबक में, चुंबक किसी भी आकार में हो वह एक द्विध्रुव ही होता है, क्योंकि उसमें दोनों ध्रुव आवश्यक रूप से किसी भी चुंबक में उपस्थित रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव का अर्थ हो गया हम एक दंड चुंबक को ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं। हमने कहा यहां हमारे पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। मान लेते हैं ये चुंबकीय क्षेत्र बाएं से दाईं तरफ जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं इधर की ओर कहीं बहुत शक्तिशाली चुंबक का उत्तरी ध्रुव होगा, और जिस तरफ जा रहा है इधर की ओर बहुत शक्तिशाली चुंबक का दक्षिण ध्रुव होगा। ये हमने दिमाग में रखनी है, अपने समझ में रखनी है बात, कि यदि इधर से इधर जा रहा है तो चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से, चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती हैं। तो यहां हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र ले लिया और मान लेते हैं इस चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है, जिसका मान है चुंबकीय क्षेत्र का, वह B। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में हम द्विध्रुव रख रहे हैं। यह डेरिवेशन ठीक वैसे ही होगा जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल, बलाघूर्ण, उसके बाद हमने कार्य की गणना की थी, उसके बाद स्थिति की ऊर्जा ज्ञात करी थी। तो वही चारों काम हम यहां पर क्रम से करेंगे। बस वहां वैद्युत क्षेत्र था तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा, वहां वैद्युत द्विध्रुव था तो यहां पर चुंबकीय द्विध्रुव आएगा। बाकी सब चीजें आप देखेंगे उसी की तरह चलेंगी। तो यहां हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, यहां पर हमने एक दंड चुंबक रख दिया। मान लेते हैं यह हमने एक दंड चुंबक बना लिया है। यह दंड चुंबक है, चुंबक है तो इसमें दो ध्रुव अवश्य रूप से होंगे। तो हमने कहा यह जो हमारा ध्रुव है इसे हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और यह जो ध्रुव है यह हमारा दक्षिणी ध्रुव है। हमने आपको पहले भी बताया था जो उत्तरी ध्रुव होता है, जो नॉर्थ पोल होता है, उसको हम बिल्कुल जैसे वैद्युत क्षेत्र में हम धन आवेश लेते थे उसकी तरह इसको प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पर उत्तरी ध्रुव की जो ध्रुव प्रबलता है, जिसे हम QM से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम चूंकि धनावेश की तरह व्यवहार करते हैं इसलिए इसको हम ले लेते हैं +QM। और जो दक्षिणी ध्रुव होता है यह ऋण आवेश की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि जैसे धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती हैं ठीक चुंबक में, उसी प्रकार उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय बल रेखाएं बाहर निकलती हैं, इसलिए धन आवेश को उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार, उत्तरी ध्रुव की तरह लेते हैं। और जैसे ऋण आवेश पर वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश करती हैं ठीक इसी प्रकार जैसे चुंबक पर दक्षिणी ध्रुव में चुंबकीय बल रेखाएं प्रवेश करती हैं, इसलिए जो हमारा दक्षिणी ध्रुव होता है इसे हम ऋण आवेश की भांति लेते हैं। अब इसकी ध्रुव प्रबलता को -QM से प्रदर्शित करते हैं। तो हमने कहा यहां हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक चुंबक ले लिया जो कि उत्तर और दक्षिण ध्रुव इसके यहां पर स्थित है। अब हम कहते हैं इस पर बल लगेगा। तो बल कैसे लगेगा? हमने कहा माना ये जो उत्तरी ध्रुव है, चूंकि चुंबकीय बल रेखा इधर से इधर आ रही है, तो इधर क्या है शक्तिशाली उत्तरी ध्रुव होगा। यह उत्तरी ध्रुव इस उत्तरी ध्रुव पर क्या लगाएगा? प्रतिकर्षण बल लगाएगा, जिसके कारण इस पर जो बल लगेगा वह इस दिशा में लगेगा। और मान लें लगने वाले बल का मान F1 ले लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से ये जो हमारा दक्षिणी ध्रुव होगा, यह दक्षिणी ध्रुव इस उत्तरी ध्रुव की तरफ आकर्षित होगा, तो इस पर जो बल लगेगा वह मान लेते हैं F2 के बराबर होगा। अब आपको ध्यान हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लेते थे, चूंकि हम पहले लिखते हैं माना एक दंड चुंबक, चुंबक जिसकी प्रभावी लंबाई
लंबाई 2L है, अर्थात हमने इस चुंबक की लंबाई कितनी ले ली, यह लंबाई हमने ले ली टू एल, उत्तरी सिरे और दक्षिणी सिरे के बीच की दूरी, या उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच की दूरी टू एल। तो हमने कहा इसकी प्रभावी लंबाई है टू एल। हम कहते हैं इसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में थीटा कोण बनाते हुए, थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। दोस्तों जब हम डेरिवेशन कर रहे हैं तो मैं साथ साथ में उसकी थ्योरी भी लिख रहा हूं, तो आप चाहें तो इन डेरिवेशंस के सबके जो नोट्स हैं आप यहीं से इसको तैयार भी कर सकते हैं। तो हमने कहा यह थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, अर्थात यह जो कोण हमारा बन रहा है, यह जो कोण है, इस कोण को हम नाम दे रहे हैं कि यह कोण हमारा है, यह कोण है थीटा कोण। तो हम कहते हैं थीटा कोण बना करके रखा गया है, तो हम लिखते हैं माना एन ध्रुव पर लगने वाला बल, बल जिसको हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, F1 से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो F1 बराबर हो जाएगा। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सूत्र लेते थे, हम कहते थे जो लगने वाला बल होता था F इज इक्वल टू क्यू ई होता था, तो वहां हमारा सूत्र होता F बराबर क्यू ई होता था। यह चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र में भी इस ध्रुव पर बल तो लगेगा, तो उस बल को हम कैसे लेंगे, F बराबर क्यू की जगह आ जाएगा क्यू एम, वहां क्यू आवेश होता था, यहां पर क्यू एम क्या है ध्रुव प्रबलता, और साथ में वहां ई वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता था, यहां उसकी जगह चुंबकीय क्षेत्र ले लेंगे बी। तो लगने वाले बल का मान इस सूत्र से हमारा आ जाएगा, इस सूत्र से आ जाएगा क्यू एम गुणा बी। इसी प्रकार हम लिखते हैं, इसी प्रकार एस ध्रुव पर लगने वाला बल, जो लगने वाला बल होगा उसे हम F2 से प्रदर्शित कर रहे हैं यहां पर, और F2 का मान भी बिल्कुल इतना ही होगा क्यू एम गुणा बी। अब आप देखें इनकी दिशाएं देखें, तो यह जो है इस दिशा में जा रहा है और यह इस दिशा में जा रहा है, तो इन दोनों बलों के परिमाण तो आपस में बराबर हैं, लेकिन इनकी दिशाएं विपरीत हैं, तो हम कहेंगे जो नेट बल होगा वह शून्य होगा। लिखते हैं चूंकि F1 तथा F2 परिमाण में बराबर है जबकि इनकी दिशाएं विपरीत हैं, विपरीत हैं, अतः नेट बल को हम प्रदर्शित करेंगे F से, F हो जाएगा F1, और दूसरे F2 की दिशा क्योंकि विपरीत है, F1 उधर है तो F2 इधर है, तो F1 माइनस F2 हो जाएगा, और यानी कि परिणामी बल नेट बल क्या हो जाएगा शून्य। तो हम लिखते हैं अतः नेट बल हमारा कितना आ गया शून्य आ गया। किंतु जैसे हम वहां कहते थे, आप देखिए यह जो हमारा F1 बल है इसकी क्रिया रेखा बनाए, तो हमने कहा जो बल की दिशा होती है उसी में यदि पीछे की ओर एक रेखा खींचते चले जाएं तो यह F1 बल की क्रिया रेखा को प्रदर्शित करती है। ठीक इसी प्रकार S पर जो F2 बल लग रहा है इसको भी पीछे की ओर ले जाया जाए तो ये F2 बल की क्रिया रेखा को प्रदर्शित करती है। हम देखते हैं F1 तथा F2 परिमाण में बराबर है, इनकी दिशाएं भी विपरीत हैं, लेकिन इनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं, जिसके कारण यह एक बल आघूर्ण का निर्माण करेंगे। तो हम लिखते हैं यहां पर बल आघूर्ण, तो हम लिखते हैं चूंकि F1 तथा F2 की क्रिया रेखाएं
भिन्न है, अतः यह एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। करते हैं, अतः बल युग्म का बल आघूर्ण, ये जो बल युग्म बन गया हमारा, एक बलों का जोड़ा बन गया F1 और F2 जिनके परिमाण आपस में बराबर हैं, इसके कारण यह इस बल युग्म जो बना है इसका बल आघूर्ण क्या होगा, क्योंकि दोनों बल बराबर हैं, नेट हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ कि यह बल इस पूरे के पूरे दंड चुंबक को इधर की ओर खींचना चाह रहा है, F2 बल इधर खींचना चाह रहा है, लेकिन चूंकि F1 और F2 एक दूसरे के बराबर और विपरीत हैं, इसलिए यह चुंबक न तो इधर जाएगा और न ही इधर जाएगा। अर्थात यदि ऐसे रखा हो चुंबक, तो यह चुंबक F1 बल के कारण तो इधर जाना चाहेगा, F2 बल के कारण इधर जाना चाहेगा, लेकिन F1 F2 बराबर और विपरीत है, तो यह चुंबक इसी स्थान पर आएगा, ना इधर खिसकेगा ना इधर खिसकेगा। यह बात तो हमारे नेट बल शून्य की होगी, लेकिन इन दोनों बलों के द्वारा, क्योंकि बराबर विपरीत है, तो एक बल युग्म का निर्माण किया जा रहा है, और इस बल युग्म के कारण यह हमारा जो दंड चुंबक है यह स्थानांतरित गति तो नहीं करेगा, लेकिन यह इन दोनों बलों के कारण अपनी ही अक्ष पर क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। तो बलागुण का अर्थ है किसी अक्ष के परितः घूमने की प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं, बलागुण कहते हैं। तो बलागुण का सूत्र होता है, अर्थात बल युग्म का बलागुण टाऊ बराबर होता है दोनों में से किसी भी एक बल का परिमाण, यानी कि एफ गुणा बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो लिखेंगे लंबवत दूरी, किसकी, क्रिया रेखाओं के बीच की। तो क्रिया रेखा बनाएंगे तो हम कहते हैं यह क्रिया रेखा इधर है, यह क्रिया रेखा इधर है, इनके बीच की लंबवत दूरी इस प्रकार से होगी। यह बिंदु S है, यह बिंदु N है, इस बिंदु को हम कोई नया नाम दे देते हैं, मान लेते हैं इसको मैं नाम दे देता हूं P। तो जो लंबवत दूरी है वह NP है। तो हम देखें यह जो कोण थीटा है, तो यह वाला कोण भी क्या होगा, थीटा होगा। तो यह एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो गया यहां पर। तो हम यहां लिखेंगे त्रिभुज SPN से, SPN, तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, तो इसको लिखते हैं हम समकोण त्रिभुज SPN से। हमें क्या चाहिए, एनपी का मान चाहिए, यही तो हमारी लंबवत दूरी है, इस क्रिया रेखा और इस क्रिया रेखा के बीच की न्यूनतम दूरी को ही लंबवत दूरी कहते हैं। तो हमें तो एनपी का मान चाहिए, और एनपी क्या है, कोण के सामने की जो ये भुजा होती है, इस एनपी भुजा को हम कहते हैं लंब। ये जो एसपी भुजा है ये कोण के साथ बन रही है, इसलिए यह भुजा हमारी कहलाती है आधार, और यह जो भुजा है हमारी एसएन भुजा, यह हमारी कहलाती है इस त्रिभुज का कर्ण। तो हमें एनपी का मान चाहिए, हमें पता है थीटा यह है, और कर्ण का मान भी हमें पता है, तो लंब और कर्ण का जो अनुपात होता है वो साइन थीटा होता है। तो हम लिखेंगे इससे साइन थीटा बराबर हो जाएगा हमारा एनपी बटे एसएन, एनपी बटे एसएन, हमें तो एनपी का मान चाहिए, तो एनपी क्या हो जाएगा, एनपी बराबर हो जाएगा एसएन की, साइन थीटा में गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा एसएन साइन थीटा। एसएन कितना है, एस से एन की दूरी तो प्रभावी लंबाई है चुंबक की जो 2L के बराबर है, तो इसे लिख लेंगे ये हो जाएगा 2L साइन थीटा। तो हमें पता चल गया एनपी जो लंबवत दूरी है उसका मान 2L साइन थीटा है, जैसे मान यहां रखेंगे तो यह आ जाएगा टाउ बराबर एफ गुणा 2L, और साथ में हमारा क्या आ जाएगा साइन थीटा। अब हम F का मान रखेंगे, क्योंकि F का मान क्या है क्यू एन गुणा बी, तो मान रखेंगे तो यह आ जाएगा क्यू एन गुणा बी इंटू 2L साथ में आ गया साइन थीटा, यह हमारा गया टाउ का मान। इसको थोड़ा और हल करते हैं, अब इसकी आवश्यकता नहीं है, तो हम लिखते हैं टाउ बराबर आ जाएगा, इसको आगे पीछे लिखें तो हम लिख सकते हैं क्यू एम गुणा टू एल गुणा बी
गुणा साइन थीटा। हम जानते हैं क्यू एम गुणा टू एल जो होता है वो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एम के बराबर होता है। तो लिखते हैं चूंकि एम बराबर होता है क्यू एम गुणा टू एल के, यह मान इसमें रखेंगे तो यह आ जाएगा टाउ बराबर, यह हो जाएगा एम गुणा बी और साथ में आ जाएगा साइन थीटा, और यहां हमारा क्या हो जाएगा बल आघूर्ण का मान आ जाएगा। अर्थात यदि किसी दंड चुंबक को या चुंबकीय द्विध्रुव को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर लगने वाला जो नेट बल होता है, नेट बल तो कितना आता है शून्य आ जाता है, और जो बल आघूर्ण का मान आता है टाउ वो बराबर होता है एम डी साइन थीटा के बराबर होता है। अब हम इसका अगला स्टेप निकालते हैं। हम निकालते हैं कि इस द्विध्रुव को यदि मैं थोड़ा सा घुमाऊं, घुमाता हूं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, इस दंड चुंबक को यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमाऊं तो मुझे कितना कार्य करना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। अब हम कार्य निकालना चाहते, तो हम कहते हैं कि अब हम चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य निकालना चाह रहे हैं। तो द्विध्रुव को घुमा रहे हैं, द्विध्रुव मान लेते हैं ऐसे था, हम इसको डी थीटा कोण ऐसे घुमाना चाह रहे हैं, थोड़ा सा कोण सूक्ष्म कोण घुमाना चाह रहे हैं, तो हम कार्य की गणना करेंगे। हम जानते हैं चूंकि कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, पर यह कार्य का सूत्र कब होता है जब कोई वस्तु स्थानांतरित गति करती, किसी सरल रेखा में गति करती है, तब कार्य का सूत्र होता है कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। और यदि कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गति करे, घूर्णन गति करे, तो हम जानते हैं घूर्णन गति में बल के स्थान पर बलाघूर्ण आ जाता है और विस्थापन के स्थान पर कोणीय विस्थापन आ जाता है। तो चूंकि यह जो हमारा दंड चुंबक है यह क्या कर रहा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में भी इसी प्रकार से घूम रहा है एक ही स्थान पर, यानी कि घूर्णन गति कर रहा है हम कह सकते हैं। तो हम कहते हैं अतः कार्य बराबर हो जाएगा बल आघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन। तो कार्य को हम W से प्रदर्शित करते हैं, बल आघूर्ण हम जानते हैं टाउ होता है, और कोणीय विस्थापन को हम प्रदर्शित करते हैं मान लेते हैं डी थीटा से। तो हम कहते हैं यदि हम इस दंड चुंबक को सूक्ष्म कोण डी थीटा घुमाएं तो किया गया कार्य भी क्या होगा सूक्ष्म होगा, इसलिए हम किए गए कार्य को डी डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो हम कहते हैं किया गया कार्य डी डब्ल्यू बराबर आ जाएगा टाउ का मान, यदि यहां से रखें हम इस वाले सूत्र से एम बी साइन थीटा से, तो ये आ जाएगा एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा, डी थीटा आ जाएगा। यह तो वो सूक्ष्म कोण है डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, ठीक है। तो हम कहते हैं यह कार्य द्विध्रुव को सूक्ष्म कोण डी थीटा घुमाने के लिए करना पड़ेगा। यह तो इतना कार्य कब करना पड़ेगा यदि सूक्ष्म कोण डी थीटा घुमा रहे हैं। अब यदि मैं कहूं कि इसको मैं थीटा वन कोण से थीटा टू कोण तक ले जाऊं, थीटा वन कोण मतलब ये यहां पर ऐसे पड़ा रहा होगा, तो यहां से इसका कोण मान लेते हैं थीटा वन है, यहां से घुमा करके मैं इसे ऐसे ले जाऊं तो जो बाद का कोण बना वह होगा थीटा टू कोण। आप चाहे तो हम अलग से एक डायग्राम भी बना सकते हैं। हमने कहा यह हमने दोबारा से एक चुंबकीय क्षेत्र बना लिया, प्रारंभ में द्विध्रुव इस प्रकार से था और यह जो कोण बना रहा था एक यहां पर भी रख देते हैं, जो हम कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र की लाइन हमने बीच में ले ली। हमने कहा यह जो कोण था प्रारंभ में मान लेते यह कोण था थीटा वन,
अब मैं इस द्विध्रुव को घुमा करके इस स्थिति तक लाता हूं, तो पहले इतना कोण था, बाद में कितना कोण बन गया, इतना कोण बन गया। इस बाद वाले कोण को हम नाम दे देते हैं थीटा टू। तो हम कहते हैं कि द्विध्रुव को, यदि द्विध्रुव को थीटा वन कोण से थीटा टू कोण तक घुमाया जाए तो किया गया कार्य, क्योंकि सूक्ष्म कोण घुमाने में डी थीटा, कोण घुमाने में कार्य डी डब्ल्यू था। बड़ा कोण थीटा वन से पूरा थीटा टू तक घुमा रहे हैं तो कार्य भी ज्यादा ही होगा। तो हम कहते हैं किया गया कार्य किसके बराबर होगा, W के बराबर, और यह इस W के समाकलन के बराबर होगा। और समाकलन किसके बराबर है हमारा, यह है dW का मान है m d sin थीटा गुणा d थीटा। अब समाकलन की सीमाएं लगानी होगी। प्रारंभ में कोण कितना था, थीटा वन, और बाद में घुमाने के बाद लास्ट में कोण कितना बन गया, थीटा टू। तो सीमाएं लिख लेंगे, हमने कोण थीटा वन से घुमाया, कहां तक घुमाया, थीटा टू तक घुमा दिया। तो अब इसका समाकलन करेंगे। हमने पहले भी बताया था कि डी के बाद जो पद होता है वह चर होता है, केवल वही बदलता है, बाकी सारे पद नियतांक माने जाते हैं। तो बाकी एम बी को समाकलन से बाहर लाते हैं, तो किया गया कार्य डब्ल्यू बराबर आ जाएगा एम बी, और समाकलन आ जाएगा थीटा वन से थीटा टू तक, साथ में आ जाएगा हमारा साइन थीटा गुणा डी थीटा। अब हमारा एक सूत्र होता है, चूंकि हमारे पास सूत्र होता है समाकलन साइन थीटा बराबर होता है माइनस कॉस थीटा के, साइन थीटा का समाकलन माइनस कॉस थीटा होता है, वह मान यहां पर रखेंगे तो आ जाएगा डब्ल्यू बराबर एम डी, समाकलन आ जाएगा माइनस कॉस थीटा, और समाकलन की सीमाएं थीटा वन से थीटा टू तक आ जाएगी। माइनस के निशान को यदि बाहर ले लें तो ये आ जाएगा माइनस एम बी, और अंदर आ जाएगा फिर से कॉस थीटा, और समाकलन की सीमाएं वही पहले की तरह आ जाएगी थीटा वन से थीटा टू तक। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो हमारी जो लास्ट की समीकरण आई, यह समीकरण है W बराबर माइनस एम बी, और साथ में आ गया कॉस थीटा, समाकलन की सीमा थीटा वन से थीटा टू तक। हम जानते हैं यह समाकलन की निम्न सीमा है और यह उच्च सीमा है। तो जैसे हमने पहले बताया कि यह थीटा हमारा चर था, तो चर के स्थान पर सबसे पहले उच्च सीमा को रखा जाता है, फिर माइनस का निशान लगाया जाता है, फिर इसी चर के स्थान पर निम्न सीमा को रखा जाता है। कैसे करेंगे, लिखेंगे W बराबर माइनस एम बी, सबसे पहले लिखा कॉस थीटा हमारा चर था तो चर की जगह लिखा, लिख लिया थीटा टू, फिर माइनस का निशान लगाया, फिर दोबारा से लिखा कॉस, अब की बार थीटा की जगह निम्न सीमा को रख दिया हूं थीटा वन, तो ये हमारा एक्सप्रेशन यह आ गया। माइनस से अंदर गुणा करें तो W बराबर हो जाएगा एम बी, माइनस की कॉस थीटा टू में गुणा करेंगे तो माइनस कॉस थीटा आएगा, यह आ जाएगा माइनस कॉस थीटा टू, और इस माइनस की इस माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस कॉस थीटा वन। प्लस को आगे रख लेते हैं माइनस को पीछे, तो किया गया कार्य W बराबर हमारा आ जाएगा एम बी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, और यही हमारा क्या होगा, किया गया कार्य। जो हम कार्य कर रहे हैं वह हमारा किसके बराबर होगा, W बराबर एम बी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। यहां से हम एक विशेष स्थिति ले लेते हैं। हम कहते हैं यदि प्रारंभ में द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो
समांतर हो, समांतर का अर्थ यह द्विध्रुव ऐसे न रख करके ऐसे था रखा हुआ, तो इसे समांतर स्थिति कहिए, यानी कि एन वाला सिरा इधर की ओर था और एस वाला सिरा इधर था। तो इस स्थिति में हम कहेंगे जो थीटा वन का मान था वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और हम इस जीरो की स्थिति से इसको घुमा करके थीटा की स्थिति तक ला रहे हैं यदि, तो हम कहें यदि थीटा टू को तब हम किसके बराबर मान रहे, थीटा, यानी कि हम जीरो से घुमा करके इसको इस प्रकार जीरो में रखा होता है, यहां से घुमा करके थीटा कोण तक लाएं तो हमारा थीटा वन बराबर जीरो और थीटा टू बराबर थीटा हो जाएगा। यह मान यहां रखें तो किया गया कार्य डब्ल्यू बराबर हमारा हो जाएगा एम बी कॉस जीरो माइनस कॉस थीटा टू की जगह थीटा। कॉस जीरो की वैल्यू हम जानते हैं एक होती है, तो लिखते हैं चूंकि हमारा सूत्र होता है कॉस जीरो डिग्री बराबर होता है एक के, तो किया गया कार्य डब्ल्यू बराबर हमारा आ जाएगा एम बी कॉस जीरो की वैल्यू एक माइनस कॉस थीटा। यह हम उस किए गए कार्य की गणना हमने करी जब द्विध्रुव शुरू में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में था और उससे हमने उसको थीटा डिग्री का कोण घुमाया। तो यहां हमने किया गया कार्य निकाल लिया। अब हम निकालना चाह रहे हैं स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा का आगे करते हैं। स्थितिज हम निकालेंगे इस द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, तो हम निकाल रहे हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा को यू से प्रदर्शित किया जाता है, और आप जानते हैं कार्य एक प्रकार की ऊर्जा ही है। कार्य की परिभाषा ही होती है कि, या ऊर्जा की परिभाषा होती है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य का मात्रक भी जूल होता है और ऊर्जाओं, सभी ऊर्जाओं का मात्रक भी जूल ही होता है, चाहे वो विद्युत ऊर्जा हो, चाहे स्थितिज ऊर्जा हो या गतिज ऊर्जा हो, उन सबका मात्रक जूल ही होता है। तो हम कहते हैं जो किया गया कार्य होगा वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो हमारे किया गया कार्य का जो मूल सूत्र है वो ये वाला है W बराबर एम बी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। तो हम लिखते हैं चूंकि W बराबर होता है एम बी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, यह हमारा सूत्र है। अब जब हम स्थितिज ऊर्जा, किसी द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं, तो हम कहते हैं द्विध्रुव को उसकी मानक स्थिति से थीटा डिग्री का कोण घुमाने में किया गया कार्य। हम लिखते हैं चूंकि क्योंकि द्विध्रुव को उसकी मानक स्थिति से, आप समझिए मानक स्थिति क्या होती है। मानक स्थिति का अर्थ होता है जब कोई द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, ऐसे रखा हुआ हो, तो उसकी वह स्थिति उसकी मानक स्थिति कहलाती है। तो मानक स्थिति के आगे लिख लेते हैं जब थीटा का मान कितना हो 90 डिग्री। तो हम कहते हैं क्योंकि द्विध्रुव को उसकी मानक स्थिति से, यानी कि थीटा बराबर 90 से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा ऊर्जा के बराबर होता है। तो अर्थात हमें क्या लेना है इस वाले फॉर्मूले में, इसमें लेना है थीटा वन की जगह ले लेना है 90 डिग्री का कोण, यही तो इसकी मानक स्थिति है। मानक स्थिति थीटा बराबर 90 से कितने कोण घुमाना है, थीटा कोण घुमाना है, यानी कि थीटा टू बराबर हमारा क्या हो जाएगा, थीटा के बराबर हो जाएगा। यह मान इसमें रखें तो हमारा आ जाएगा किया गया कार्य इसके बराबर होगा स्थितिज ऊर्जा के बराबर। तो हम लिखेंगे स्थितिज ऊर्जा यू जो किए गए कार्य डब्ल्यू के बराबर होगी, वह होगी एम बी कॉस थीटा वन, थीटा वन का मान 90, माइनस कॉस थीटा टू का मान थीटा, लिख लेंगे कॉस थीटा। कॉस 90 की वैल्यू हम जानते हैं जीरो होती, तो स्थितिज ऊर्जा होगी हमारी यू, वह बराबर होगी एम बी ब्रैकेट में जीरो माइनस कॉस थीटा।
तो हम कहते हैं कि u बराबर एम बी जीरो माइनस कॉस थीटा हमारा आया, तो u का जो मान आएगा u बराबर जब जीरो हटेगा तो माइनस की बाहर गुणा होगी, तो u बराबर आ जाएगा माइनस एम बी कॉस थीटा। यह हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे दंड चुंबक को थीटा डिग्री कोण घुमाने में उसके अंदर जो स्थिति ऊर्जा संचित होगी वह माइनस एम बी कॉस थीटा के बराबर होगी, यह हमें पता चल गया। अब हम यह भी निकाल सकते हैं कि जो एम जो है वह सदिश राशि है और बी भी कैसी राशि है, सदिश राशि है। दो सदिश राशियों के गुणा होके क्योंकि परिणाम क्या स्थिति टूट जा वह अदिश राशि है, तो इसका मतलब है इन दोनों का जो गुणन होता है वो अदिश गुणन होता है, इसीलिए यहां पर क्या कॉस थीटा। तो यदि इसे सदिश रूप में लिखा जाए तो हम लिख सकते हैं यू बराबर वेक्टर एम डॉट वेक्टर और साथ में माइनस का निशान, तो यहां से हम स्थिति ऊर्जा को सदिश पदों में भी व्यक्त कर सकते हैं। अब बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि स्थायी साम्यावस्था तथा अस्थायी साम्यावस्था या स्थायी संतुलन या अस्थायी संतुलन से क्या समझते हैं, तो हम कहते हैं हमारा मूल सूत्र तो यह वाला है, हम लिखते हैं स्थायी साम्यावस्था या स्थायी संतुलन। स्थायी संतुलन की स्थिति कब होगी, स्थायी साम्यावस्था स्थायी संतुलन तब होता है जब स्थिति ऊर्जा का मान न्यूनतम हो। तो स्थिति ऊर्जा न्यूनतम कब होगी, जब उसका मान, देखिए न्यूनतम की हम बात करें तो हमारे पास कहते हैं तीन संख्याएं हैं, एक हमारे पास है माइनस वन, एक हमारे पास है जीरो और तीसरी हमारे पास है प्लस वन। तो आप सोचिए इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या निसंदेह माइनस वन होगी। तो हम कहते हैं स्थिति ऊर्जा का मान जब ऋणात्मक होगा, न्यूनतम होगा मतलब ऋणात्मक होगा क्योंकि शून्य न्यूनतम है लेकिन उससे भी कम क्या है, ऋणात्मक मान है। तो हम कहेंगे स्थायी साम्यावस्था तब होती है जब स्थिति ऊर्जा का मान न्यूनतम हो। तो न्यूनतम हो कब होगा, जब थीटा का मान, हम लिखते हैं थीटा बराबर कितना हो जाए, थीटा का मान जीरो डिग्री हो जाए तब क्या होगा, तब हमारा आ जाएगा ये वाला सूत्र आ जाएगा यू बराबर थीटा बराबर जीरो हो जाएगा तो कॉस जीरो डिग्री का मान कितना हो जाएगा, कॉस जीरो एक, तो यू का मान हो जाएगा यू बराबर माइनस एम बी कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू एक, तो यू बराबर हमारी क्या हो जाएगी माइनस एम बी, और यह हमारी क्या कहलाती है, स्थायी साम्यावस्था या स्थायी संतुलन की स्थिति कहलाती है। अर्थात इस द्विध्रुव की जो स्थिति ऊर्जा होनी चाहिए वह न्यूनतम होगी तो वह स्थायी साम्यावस्था या स्थायी संतुलन की स्थिति होगी। वह कब होगी, जब थीटा बराबर जीरो का अर्थ है कि यह जो द्विध्रुव है इसका एन इधर है एस इधर है, ये इस स्थिति में पड़ा है ऐसे रहे तो यह कोण थीटा बराबर जीरो कहलाएगा, ये ऐसे रहेगा। अब हम समझते हैं अस्थायी साम्यावस्था या स्थायी साम्यावस्था तो हमने निकाल ली, अब समझते हैं अस्थायी साम्यावस्था क्या होती है। हम लिख रहे हैं अस्थायी साम्यावस्था, जिसे हम अस्थायी संतुलन भी कहते हैं, संतुलित तो है लेकिन कैसी है, अस्थायी अवस्था में है, स्थायी संतुलन नहीं है। यह कब होगी, यह तब होगी जब यू का मान अधिकतम होगा, तब वह स्थिति जो होगी वह अस्थायी साम्यावस्था कहलाएगी। तो यू का मान अधिकतम कब होगा, इस वाले यू का मान जब मान ऋणात्मक न होकर के धनात्मक हो। तो हम लिखते हैं यदि थीटा बराबर हो जाए 180 डिग्री तो कॉस 180 डिग्री का मान होता है माइनस वन। यह मान यदि इस समीकरण में रखें तो यह आ जाएगा यू बराबर माइनस एम बी और साथ में लिख लिया कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 अंश का मान होता है, डिग्री का मान होता है माइनस एक, तो ये गुणा होगी तो माइनस के माइनस में गुणा होगी तो ये प्लस हो जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा एम बी। यानी कि इस स्थिति में
जो स्थितिज ऊर्जा का मान अधिकतम होगा, हम लिख सकते हैं यहां स्थितिज ऊर्जा क्या है, न्यूनतम, न्यूनतम। और यहां पर क्या है, स्थितिज ऊर्जा अधिकतम। स्थितिज ऊर्जा इस स्थिति में क्या है, अधिकतम है, सबसे ज्यादा है। तो हम कहेंगे यह स्थिति कौन सी हुई, यह स्थिति हुई यदि हमारे पास यह द्विध्रुव, यह सिरा मान लेते हैं एन है और यह सारा सिरा मान लेते हैं एस है। तो जब ये एन और एस ऐसे में पड़े हुए थे, यानी कि ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में थे, तो थीटा का मान जीरो था। ऐसी स्थिति को स्थायी साम्यावस्था या स्थायी संतुलन की स्थिति कहते हैं। थीटा 180 का अर्थ है कि यह वाला जो एन सिरा है ये पूरा घूम करके ऐसे 180 डिग्री घूम करके यहां पहुंचा है। अब ये यहां पर तो पड़ा हुआ है, तो इसकी स्थिति ऊर्जा इस समय प्लस एमबी के बराबर है। तो जब तक इस पर कहीं से कोई बल नहीं लगेगा तब तक तो ये ऐसे ही पड़ा लगेगा रहेगा, लेकिन यदि कहीं से कोई इस पर ऐसे हल्का सा कोई एक बल लगा दे तो ये तुरंत कोशिश करेगा कि इस प्रकार से घूम करके स्थायी साम्यावस्था को या स्थायी संतुलन की स्थिति को प्राप्त कर ले। इसलिए यह जो हमारी इस स्थिति में जो पड़ा रहता है यह होती तो साम्यावस्था ही है, संतुलन की स्थिति होती है, पर कब तक, जब तक इस पर बाहर से कोई हल्का सा ना तो कोई इधर से कोई इधर बल लगाए और ना ऊपर से कोई इस सिरे पर कोई दूसरा ऐसे बल लगाए। जैसे इधर से कोई इधर बल लगाएगा या इधर से कोई इधर बल लगाएगी, तुरंत घूम करके इस प्रकार से घूम करके इस स्थिति में पहुंच जाएगा। इसलिए इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, अस्थायी साम्यावस्था या अस्थायी संतुलन की स्थिति। इस स्थिति में स्थिति ऊर्जा का मान अधिकतम होता है, जबकि स्थायी साम्यावस्था या स्थायी संतुलन की स्थिति में स्थिति ऊर्जा का मान न्यूनतम होता है। तो इस प्रकार से हम किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यदि एक चुंबकीय द्विध्रुव जिसे हम दंड चुंबक कहते हैं उसे रखते हैं, तो हमने ज्ञात करा नेट बल कितना होगा, नेट बल हमने बताया शून्य होगा। दूसरा हमने निकाला बल आघूर्ण का मान कितना होगा, तो बल आघूर्ण का मान आपको पता हो तो वो निकल के आया था टाउ बराबर था एम बी साथ में था साइन थीटा। आप चाहें तो इसे सदिश रूप में भी लिख सकते थे, तो हम लिख सकते थे टाउ बराबर, टाउ कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है, बल आघूर्ण सदिश राशि है। और ये इसको लिख सकते थे एम क्रॉस बी, जहां एम भी सदिश राशि है और बी भी सदिश राशि है। इसका अर्थ है कि हम जो बलाघुण है उसको वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर बी के रूप में लिख सकते हैं। आप जानते हैं एम जो होता है वह हमारा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है, और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो एम की जो दिशा होती है वह हमारी होती है ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ, और यहां पर बोले तो एस से एन की तरफ होती है। इसकी जो दिशा होती है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की वो होती है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ होती है। और जो हमारा बी होता है चुंबकीय क्षेत्र, इसकी जो दिशा होती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यह हमेशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ होती है, दक्षिणी ध्रुव की तरफ होती है। तो हमने जो बलाघूर्ण निकाला था उस बलाघूर्ण को हम इस प्रकार से सदिश रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। उसके बाद हमने निकाला स्थितिज ऊर्जा का सूत्र W बराबर एम बी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। वहां हमने निकाला था ये W बराबर एम बी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। और अंत में हमने निकाली स्थितिज ऊर्जा। हमने कहा जो स्थितिज ऊर्जा होती है, जो किया गया कार्य होता है वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, और वह हमने निकाला। तो हमारा मान निकल के आया यू बराबर माइनस एम बी कॉस थीटा, और सदिश रूप में देखें तो यू बराबर माइनस एम डॉट बी। देखिए यहां पर डॉट आया क्योंकि यह क्या है, इन दोनों का परिणामी, सदिशों का परिणामी क्या है, अदिश है, इसलिए यहां पर डॉट प्रोडक्ट आया। डॉट प्रोडक्ट में पीछे कॉस थीटा लगता है। तो यहां से हमने स्थायी साम्यावस्था और अस्थायी साम्यावस्था की भी चर्चा करी, और लास्ट में हमने देखा यदि बलाघूर्ण को सदिश पदों में लिखा जाए तो उसको किस प्रकार से लिखा जा सकता है। दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि आज जो हमने आपको पढ़ाया वो आपकी समझ में जरूर आया होगा, लेकिन ऐसा संभव है कि कहीं पर
आपको कोई ऐसे भी बिंदु रहे हो जो आपको समझ में नहीं आ पाए हो। यदि कहीं पर इस डेरिवेशन में कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जिससे मैं एक नई वीडियो बना करके उसमें उन बातों को क्लियर कर पाऊं। और दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।